बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वालेकुम नाज़ीन मोहम्मद इरफान हाज़रे हिद्दत है एक और नई वीडियो के साथ जैसा कि पिछली वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं कि हमने पावर के बक्सेस जो हैं वो कैसे हमने लगाने हैं तो उसी वीडियो में मैंने वायरिंग के बारे में भी बात की थी कि वो जो सर्किट हमारा दिया हुआ है तो उसमें हम उसमें लिखा हुआ था कि पी पी एफ एफ जो है जैसे ये पी पी एफ एफ है पावर पैनल फर्स्ट फ्लोर तो इसमें वो नंबर दिया हुआ था एक था तीन था तो वो देखिए वो बेडरूम भी था जिस पे हमने तीन नंबर पे हमने ज़्यादा डिस्कस किया था और साथ ही साथ एक नंबर सर्किट भी हमने देखा था वो भी बेडरूम है तो हमने उसमें वायर कौन सी डालनी है वो भी यहाँ दिया हुआ है यहाँ

लगा देना है ताकि में आदमी आए तो उसको काम करने में परेशानी ना हो कहीं भी उसको कोई काम करना हो तो वो वही वही ऑफ करेगा और वो काम कर लेगा नहीं तो कोई अगर शॉर्ट सर्किट होता है तो उसको ये पढ़ के पता चल जाएगा ये कौन सी जगह पे जा रहा है तो उसके अलावा पैनल का नाम और प्रोजेक्ट वगैरह भी यहाँ पे दिया हुआ है तो अगर आप शेड्यूल जो है सॉरी क्या कलर कोडिंग इसमें अगर देख के समझ सकते हैं तो ठीक है नहीं तो मैं आपके लिए अभी दोबारा से पेपर पे लिख के आपको बिल्कुल इजीली एक तरीका बताऊंगा इन ताला आप उससे कलर कोडिंग भी सीख सकते हैं और आपको वायरिंग करते हुए किसी दूसरे से हेल्प लेने की इन ज़रूरत नहीं हो तो नाजी मैंने एक बिल्कुल ब्लैंक पेपर ले लिया है यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि हमने कलर कोडिंग कैसे सीखनी है तो यहाँ पर हमेशा याद रखिए कभी भी आप जब जाओगे तो आपके पास दो तरह के पैनल आएंगे एक वर्टिकल एक हॉरीजेंटल तो आपने करना क्या है आपने अगर आपके पास फ़र्ज़ करा ये जो शेड्यूल था हमारे पास इससे पहले अगर वो वाला पैनल है तो आपने करना क्या है आपने क्या करना है तो आपने कलर कोडिंग कैसे सीखनी है ये देखिए उधर एक इधर दिया हुआ था दो उधर दिया हुआ था सही है तीन चार पाँच और छः यहाँ तक हमारा एक जो है वो समझने के सर्किट जो है वो पूरा हो चुका है सर्किट नहीं बोल सकते गिनती हमारी तकरीबन पूरी हो चुकी है ये रेड है सही है ये आ गया रेड ये आ गया येलो और ये आ गया हमारा ब्लू तो इसके बाद फिर सात आठ नौ दस ग्यारह और बारह ये फिर आ गया रेड ये फिर आ गया येलो और ये फिर आ गया ब्लू ये चीज़ तो आप मेरी बात समझ गए होंगे अभी हमने करना क्या है हमने कलर कोडिंग कैसे सीखनी है हमने करना क्या है ये देखिए लास्ट हुआ है हमारा छः पे है सही है तो हमने छः का पहाड़ा पढ़ना है जैसे हम बचपन में पहाड़ा पढ़ते होते थे स्कूल में अभी दोबारा से वो पहाड़े आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ सही है ना <laughs> तो ये देख लिया आपने तो ये देखिए छः पे आ गया हमारा ब्लू तो छः दुने बारह बारह पे भी हमारा ब्लू आ गया और उस एक पीछे वाला भी हमारा ब्लू ही है सही है छः से एक पीछे वाला हमारा ब्लू है और एक दो नंबर हमारा जी ये जो है ये रेड हो गया और तीन चार नंबर हमारा येलो हो गया अभी आ, आई बात आपको समझ में छः कम छः छः दो ने बारह अगर इस तरह कर सकते हैं नहीं तो चे, चे, आप अपने हिसाब से जैसे भी आपको पहाड़ा आता है पढ़ना आपने उसी तरीके से अपने पहाड़ा पढ़ते जाना है और फर आपको इन शाला तला इस चीज़ की समझ आ जाएगी तो यहाँ पर अब मैंने सिर्फ बारह तक लिखा अभी हम डिस्कस करते हैं कि बाईस नंबर सर्किट कौन सा है तो आप अब पहाड़ा पढ़ना शुरू कर दीजिए छिका छिका दो छी के बारह तीन छः अठारह तीन चिकी अठारह आ गया सही है उन्नीस बीस जो हो गया हमारा जो उन्नीस बीस आया थोड़ा सा मैं आगे करके उन्नीस और बीस जो आ गया हमारा रेड है और इक्कीस और बाईस जो है हमारा येलो है और तेईस यहाँ पे सॉरी तेईस और चौबीस जो, जो है हमारा ब्लू है और बाईस नंबर हमारा सर्किट जो आ गया येलो और रेड ये जो इक्कीस नंबर सर्किट है वो भी येलो है अभी हम डिस्कस करते हैं कि पैंतीस नंबर सर्किट कौन सा है हमारा तो अपने फिर से पहाड़ा पढ़ना शुरू कर देना एक चिका छिका दो छिके बारह तीन छः के अठारह छः छः के चौबीस पाँच छके तीस छः छे छत्ती मैं कश्मीर से हूँ तो मैं अपनी जुबान से बात जुबान में ही पहाड़े हमने पढ़े हैं बचपन में तो उसी ज़ुबान में ही मैं पढ़ रहा हूँ तो छः छे छत्तीस हो गया छत्तीस हो गया और उससे एक पीछे वाला ये देखिए छत्तीस और ये पैंतीस ये दोनों आगे ब्लू सही है इसके बाद आ गया सैंतीस सॉरी तिहत्तर लिख दिया मैंने सैंतीस और ये अठतीस उनतालीस और ये चालीस और इकतालीस और ये बयालीस ये आ गया रेड येलो और ब्लू छः छः के छत्तीस सच के पैतालीस सही है मेरी बात आप समझ चुके होंगे यहाँ तक अगर नहीं समझे तो मैं दोबारा से आपको थोड़ा छोटा करके लिख के बताऊना तो नाजीन आपने यहाँ पे थोड़ा सा भी गौर करना है सही है हमने यहाँ से गिनती लिखना शुरू कर दिया है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोटीन फोर्टीन फोटीन फोरटीन फोरटीन यहाँ से फिफ्टीन सिक्सटीन सेवेंटीन और एटीन हो गया सही है ये आप तो पहली बात तो ये समझ चुके हैं आप ये हमारा ब्लू यहाँ तक ख़त्म हो गया ये हमारा ब्लू यहाँ तक ख़त्म हो गया ये हमारा ब्लू मतलब तो तीनों सर्किट यहाँ तक हमारे ख़त्म हो गए तो अभी हमने क्या करना है आप सीधा सीधा समझ जाइए रेड, रेड येलो ब्लू रेड येलो ब्लू रेड येलो और ब्लू सही है ये हमारे जो दो दो कलर हैं वो एक ही सॉरी दो दो नंबर जो हैं हमारे सर्कट नंबर वो एक ही कलर के हैं सही है तो जैसा कि पहले मैं आपको बोल चुका हूं कि आपने करना क्या है आपने पहाड़ा पढ़ना है सही है अभी हम फर्ज करते हैं कि हमारा जो है सोलह नंबर सर्किट कौन सा है यहाँ आपने नहीं देखना सही आपने सीधा सीधा पहाड़ा पढ़ा है एक छः का छः का दो छः के बारह बारह तेरह चौदह आ गया हमारा रेड और पंद्रह सोलह आ गया हमारा येलो तो पंद्रह भी येलो है और सोलह भी हमारा येलो है ये चीज़ आप समझ चुके होंगे और अगर आपको कोई अभी इसी वक्त बोलता है जी कि आप छप्पन नंबर सर्किट बताइए फिफ्टी सिक्स नंबर तो आपने क्या करना है पहाड़ा पढ़ना शुरू कर देना एक छः का दो छः के बारह तीन छः के अठारह चार छः पाँच के तीस छः छः के छत्तीस सात छः पैतालीस अठछ छः के अठतलीस नौ छः के चौवंजा नाइन बाई सिक्स आ गया फिफ्टी फोर सही है ये हमारा ब्लू आ गया और कितना था छप्पन बोला था तो छप्पन हमारा सीधा सीधा आ गया रेड क्योंकि 54, 55 और 56 जो है ये दोनों रेड आ गए हमारे ये चीज़ तो आप समझ चुके होंगे ये कलर कोडिंग मतलब वायरिंग में आपको बहुत ही मदद देगी क्यों क्योंकि जो क्या बोलते हैं उसका ड्रॉइंग में जो है वो सिर्फ नंबर दिए होते हैं एक नंबर सर्किट चार नंबर सर्किट छब्बीस नंबर सर्किट या फिर तैंतीस नंबर सर्किट तो आपने करना क्या है आपने वो सर्किट नंबर देखना है और अपना काम शुरू कर देना है तो अभी जाते जाते मैं आखिरी दफा से पूछता हूं कि फर्ज करें हमारा 19 नंबर कौन सा सर्किट है तो 19 नंबर सही आपने गेस किया 19 नंबर जो है हमारा रेड है ये क्योंकि 18 ब्लू आ गया और 19 हमारा रेड आ गया ये थोड़ा सा मैं आपको ऊपर और करके बता हूं 18 ब्लू हो गया और 19 हमारा रेड आ गया और ये 20 भी हमारा रेड आ गया एक और जाते जाते फिर से दोबारा से मैं आपसे पूछने की कोशिश करता हूँ आप मुझे बताइए कि फर्ज करें अट्ठाईस नंबर सर्किट कौन सा है अट्ठाईस नंबर तो आई सही बोला आपने अट्ठाईस नंबर कितना हो गया कौन सा कलर हो गया येलो हुआ क्या या रेड हुआ या फिर ब्लू हुआ नहीं छः छः पाँच जगह तीस पाँच ज़रा छः कितना आ गया तीस और उससे पीछे वाला उनतीस भी आ गया ब्लू और अट्ठाईस नंबर आ गया हमारा अट्ठाईस नंबर आ गया कौन सा येलो ये बहुत ही आसान तरीका है और सत्ताईस नंबर भी येलो है सही है छब्बीस और पच्चीस सॉरी पच्चीस और छब्बीस सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने पच्चीस सीधे लिखेंगे पच्चीस और छब्बीस जो है ये हमारे आगे रेड क्योंकि चौबीस नंबर हमारा ब्लू है तो ये बात आप सही तरह से आपने अच्छी तरीके से कैसे की है कि अठाईस नंबर येलो है और अगर इसमें भी आपको कोई समझने में परेशानी हुई है तो आप मुझे कमेंट में बोल सकते हैं इन ताला मैं आपको और एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा नहीं तो उसके ऊपर नई वीडियो बना दूंगा तो अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए असल वरहमे वर्का